गया के डिलहा थाना के बागेश्वरी बम बाबा इलाके से अगवा किए गए 12 वर्षीय शिवम मिश्रा उर्फ बंकू को देर रात भागलपुर पुलिस ने सकुशल बरामद करते हुए उसके परिजनों को सौंप दिया। साथ ही भागलपुर पुलिस ने अपहरण करने वाले अनिल भट्ट को भी गिरफ्तार किया है। अनिल भट्ट गया के बागेश्वरी का ही रहने वाला है। अगवा किए गए बच्चे की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान से की है और अपहरणकर्ता के मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड से दोनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस अनुसंधान में यह बात सामने आई कि अपहरणकर्ता और अगवा किए गए बच्चे के पिता के बीच पैसों के लेन देन को लेकर पुराना विवाद था, जिसके बाद अनिल भट्ट ने 28 जून को गजेंद्र मिश्रा के 12 वर्षीय पुत्र शिवम को साइकिल दिलाने के नाम पर उसे घर से बहला फुसला कर अगवा कर लिया और आरोपी ने शिवम के पिता गजेंद्र मिश्रा के मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज भेजा। उन दोनों ने जो मकान बिकवाया था उसका मुनाफा वह उसे 24 घंटे में लौटा दे, अन्यथा शिवम की किडनी बेचकर वह पैसा वसूल लेगा। उसी के तौर पर हम लोग खोजबीन कर रहे थे, यहाँ पता चला कि बरामद हुआ है। आता था हर समय, कभी ऐसा शक भी नहीं किए कि ऐसा ही कर सकता है। बोला कि वो परिजानल आदमी, यहाँ साइकिल है जो हम दवा देंगे इसको, तो दिया गया लेने के लिए, उसके साथ ही चला गया, पैसा भी लेके गया। ये बोला कि हमको पलंग भी लेना है, भैया कुछ हो कुछ मदद दीजिए, फिर भी उसको हम पैसा और अलग से भी दिए हैं पलंग लेने के लिए, और इसके बाद ही घर से निकल गया। इसके बाद डिलहा थाने में गजेंद्र मिश्रा ने अपने पुत्र का अपने ही साथ यजमानों को पूजा पाठ कराने वाले अनिल पांडे उर्फ अनिल भट्ट द्वारा अपहरण कराए जाने का मामला दर्ज कराया। गया पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार आरोपी के मोबाइल का लोकेशन खंगाला। इस दौरान आरोपी भागलपुर से बच्चे को लेकर फरार होने को लेकर भागलपुर के कोयला डिपो बस स्टैंड पहुंचा, जिसके बाद गया पुलिस को उसका लोकेशन भागलपुर बस स्टैंड का मिला, जिसके बाद गया के एसपी आदित्य कुमार ने तुरंत मामले की जानकारी भागलपुर पुलिस को दी। मामले की जानकारी होते ही एसपी पूरन झा के नेतृत्व में बब्बरगंज थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह और तकनीकी शाखा के पुलिस वाले कोयला डिपो पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बंकू की सकुशल बरामदगी की सूचना मिलते ही गया पुलिस उसके पिता गजेंद्र मिश्रा के साथ भागलपुर पहुंची, जहां बच्चे को उसके पिता के हवाले कर दिया गया, जबकि बच्चे के अपहरण के आरोपी अनिल भट्ट को अपने साथ गया ले गई। वो कुछ बोला हुआ ना कि हाँ, क्या बोला था? कहा कि तुम्हारे घर में सांप निकला है। अच्छा, सांप को मारने के चक्कर में ईटा गिर गया एक आदमी पे, तो मर गया आदमी। अच्छा, तो भाग गए तुम्हारे मम्मी पापा। अच्छा, खड़गपुर भाग गए हैं, चलो खड़गपुर ले चलते हैं। वो आपको खड़गपुर लेकर के चले गए? हाँ। वहाँ से कहाँ ले गए आपको? खड़गपुर ले गया था। नहीं, यहीं आज 5 बजे बस बैठा रहा था। आपको कहाँ से वो लेकर के आए? गया से। गया से कहाँ तक ले गए आपको? हाँ, भागलपुर। भागलपुर डायरेक्ट यहाँ से? फिर गया से कैसे कैसे आए? गया से जहानाबाद। कैसे गया से जहानाबाद ले गए? हाँ। जहानाबाद से फिर पटना। हाँ। पटना से बस धर के यहाँ। अच्छा, यहाँ से फिर और कहीं ले जा रहे थे? हाँ, आज ले जा रहे थे कलकत्ता। अच्छा, बोला किडनी बेच देंगे? हाँ, कहाँ किडनी बेच देंगे। आपका नाम क्या हुआ? शिवम कुमार मिश्रा। मकान? गया बागेश्वरी मोहल्ला। बंकू जहां अपने घर वालों को देखकर काफी खुश था, वहीं बंकू के पिता ने गया और भागलपुर पुलिस की जमकर सराहना करते हुए आरोपी से पैसा के किसी भी प्रकार के लेन देन के विवाद को एक सिरे से खारिज कर दिया। कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़े नहीं था। हर जान पहचान था आपको उससे? हाँ, जान पहचान तो है। ये क्या नाम है उसका? अनिल पांडे नाम है। आप भी पंडा है? वो भी पंडा? हाँ, हम पांडे मिश्रा जी है, वो भाट ब्राह्मण है। पंडा जी का काम भी करते हैं? ना, वो पंडा जी की पूजा पाठ कराता है, लेकिन उन्हें हम तो सारा कुछ कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा गजेंद्र मिश्रा नाम है। अब बेटा मिल गया, कितना खुशी लग गया? हमारा पूरा खुशी हो गया, बस हमारा यही चाहिए, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा मिल गया, बस हमारा यही है।